नमस्कार, मैं हूं तेज प्रताप यादव। मैं आ गया हूं श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन में, और आइए आज आपको मैं श्री कृष्ण के इस पावन नगरी का मैं आपको लाइव दर्शन कराता हूं अपने फेसबुक के जरिए। अभी मैं आ गया हूं कालियादह का यहां का महत्व है। श्री कृष्ण ने कालिया नाग को मार करके वृंदावन वासियों को यहां से कालिया नाग को मुक्त कराया। ये रहा, यही वह स्थान है। हम मिलते हैं लक्ष्मण शर्मा जी हैं यहाँ पर। लक्ष्मण शर्मा जी हैं, ये आपको बताएंगे यहाँ के महत्व के बारे में। लक्ष्मण शर्मा जी, आप यहाँ के महत्व के बारे में आप बताइए। कालियाना जी, जी ये कालीदह घाट है और इस पर घूम करके बताइए। भगवान श्री कृष्ण जो है क्या यहाँ अपने सखाओं के साथ में यमुना किनारे जब गेंद खेल रहे थे, तो गेंद मारा जब भगवान श्री कृष्ण ने टोल मारा तो गेंद यमुना में चली गई थी। तो सखाओं ने कहा कि नहीं, कहा ना हमारी गेंद लाओ। मंसका ने कहा हमारी गेंद दो, धनसका ने कहा हमारी गेंद दो। सब ने भगवान को इतना विवश कर दिया कि गेंद लाने के लिए भगवान को यमुना जी में छलांग लगानी पड़ी और यमुना में कूद कर कालीदह एक नाम का एक इसमें जो सर्प रहता था उसके कालीदह के जो के जहर के कारण जो है क्या पूरा जो यमुना जल था वो जहरीला हो गया था। यानी काना की यदि गाय उस पानी जल को पिए तो कहा मर जाती थी, मतलब जो है उसको काली जय कर उन्होंने नाथ दिया था, या नाथ कर कर उसको यमुना जी को मुक्त कराया था। वो स्थान आप दिखा सकते हैं शर्मा जी, जो जिस पेड़ पर श्री कृष्ण चढ़ करके कूदे थे। हाँ, ये ही तो वो पेड़ है जो सामने आप देख रहे हैं, कदम का पेड़ है। इस कदम के पेड़ पर ही भगवान श्री कृष्ण ने ऊपर चल के जा करके यमुना जी में छलांग लगाई थी। आगे बढ़िए शर्मा जी। यही वो पेड़ है जो यमुना जी में इस पेड़ पर चढ़कर भगवान श्री कृष्ण ने जो है क्या यमुना जी में छलांग लगाई थी। पहले यमुना जी यहाँ तक बहती थी, आज यमुना जी का सरकार की अपेक्षा के कारण यमुना जी बहुत दूर दूर तक जा रही हैं, कचरा मुक्त हो रही हैं। आगमन योग पानी नहीं है, दिल्ली की नालियों का पानी इसमें आ रहा है। आज मतलब श्री कृष्ण का यही वो पेड़ है, यही वो वृक्ष है जिस पर से श्री कृष्ण चढ़ करके और यमुना जी में छलांग लगाए थे कालिया नाग को मारने के लिए, कालिया नाग को नाचने के लिए। देखिए ये बहुत प्राचीन पेड़ है, 5000 वर्ष पूर्व पुराना ये वृक्ष। ये किस चीज़ का पेड़ है? ये कदम का वृक्ष है, ये भगवान का प्रिय वृक्ष है। कदम को अपने प्राणों से ज़्यादा प्रेम करते हैं, ये वही प्रेम है जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने ये अपनी सखी यमुना के किनारे जो सखियों के वस्त्र भी हरण किए थे। ये वही पेड़ है इस पर बैठ करके भगवान ने बंसी बजाई थी। ये वही पेड़ है, इस पेड़ के नीचे भगवान श्री कृष्ण ने राधा ने अपनी सखियों की राधा रानी की सखियों के साथ में रास रचाया था। यही कालियादह के घाट पर प्राचीन है, ये हम वर्षों से देखते आए। बताया जाता है ये 5000 वर्ष पुराना पेड़ है और इसकी प्राचीनता देखिए। आज यदि ब्रज की पहचान के रूप में है तो यमुना जी हैं और ये कदम का वृक्ष है और यहाँ के पर्वत हैं। देखिए ये पेड़ है, हमारे जितने भी साथी हैं, जितने भी सखा हैं, तमाम लोग फेसबुक से जुड़े हुए हैं, जितने भी ग्रुप के लोग हैं, चाहे वो हमें फॉलो करते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, फेसबुक पे फॉलो करते हैं, ट्विटर में फॉलो करते हैं, तमाम लोग आप देख सकते हैं यही वो वृक्ष है। आइए अब यहाँ से हम लोग चलेंगे चीर घाट की ओर प्रस्थान करेंगे, जहाँ श्री कृष्ण ने गोपियों का वस्त्र हरण किया था। अब ले चलते हैं आपको चीर घाट, यहीं से अभी लाइव को थोड़ी देर के लिए मैं रोकता हूँ, फिर अगला लाइव होगा इसको मैं पोस्ट करता हूँ। राधे राधे, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने इसको देखने का काम किया और अपने जीवन काल में भी श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया है उसको निखारने का और अपने जीवन काल में उतारने का काम कीजिए। एक बार ये दृश्य देख। अरे हाँ, ये देखिए इसमें मूर्ति बनी हुई है किस तरीके से श्री कृष्ण ने कालिया नाग को उसको नाथा था।
ये श्री कृष्ण प्रभु और ये कालिया नाग, सात पानों वाला कालिया नाग है। आइए आपको ले चलते हैं चीर घाट, जहाँ श्री कृष्ण ने गोपियों का वस्त्र हरण किया था, कपड़े चुराए थे श्री कृष्ण ने। आज वो स्थान पे आपको ले चलता हूँ। होती आ रही, एक इंच जगह नहीं है जहाँ आपको आदमी ना मिले। लोगों में इतना जन आक्रोश है कि आप कहा नहीं जा सकता। ठीक, बहुत उत्साह है। जिंदाबाद, जिंदाबाद।